माने उसके सबसे ऊंची स्टेज में बैठी है, त्रिशूल कौन है, बीच वाला कौन है, शूल है, बीच वाला शूल शंकर है, विष्णु, हाँ जो विष्णु पार्टधारी है उस विष्णु पार्टधारी से भी ऊंचा पार्ट बजाने वाली, इसलिए शंकर को वो नगरी प्यारी है। हाँ जी, और कुंती ने कर्ण को हाँ, जो बदनामी नहीं हो जाती, हाँ दुनिया थोड़ी ही समझेगी कि इसे इसका जन्म जो है वो उससे क्या नाम है, क्या नाम उससे पैदा हुआ है क्या, नहीं नहीं नहीं, इसका जन्म जो है वो आशीर्वाद से पैदा हुआ है, दुनिया से यही समझेगी कि वो गलत काम से पैदा हुआ होगा। हाँ गंगा, गंगा का पाठ कोई कन्या का होगा, हैं नहीं, गंगा को ज्ञान की गंगा कहा जाता है या योग की गंगा कहा जाता है, ज्ञान की गंगा है। बोलो बोलो बोलो, है हाँ ज्ञान गंगा है, बाद में निकलेंगे। गंगा कब आएगी, जब गंगा आएगी तो उत्तर उत्तर भारत का कल्याण हो जाएगा। हाँ जी आती है, वो तो ठीक है, आप से देव पहले प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो जो आप से देव प्रत्यक्ष होंगे उन देवताओं के बाद ही गंगा प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। गंगा के किनारे पालथी मार के कौन बैठते हैं मेंढकों की तरह, है? गंगा के किनारे पालथी मार के मेंढकों की तरह कौन बैठते हैं, सन्यासी लोग। हाँ तो जो सन्यासी है वो कौन सी आत्माएं हैं, है? आदर मूर्धन। अरे बेसिक नॉलेज में क्यों जाते हो, पहले एडवांस में हर चीज सुनो ना, है? हाँ जो दूसरे धर्मों के बीज हैं वो गंगा की पिछाड़ी ज्यादा पड़ते हैं। बिखर गई है, 36 साल की मुरली, 36 साल में माला नहीं बन गई, 36 साल से बनना शुरू हुई, माने बाबा माला बनाते थे और माला बार बार टूट जाती थी, फिर नाम देना बंद कर दिए, माला बनाना बंद कर दिए 36 के बाद। हाँ जी तो शूटिंग नहीं होनी है क्या, रिहर्सल नहीं होती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की हरियुग में रिहर्सल नहीं होने देंगे, क्यों नहीं होती है? कट बेसिकली उतरती है या पूरी उतर जाती है, बेसिकली उसका बेसिक ज्ञान है तो बेसिकली कट उतरेगी, संपूर्ण ज्ञान होगा तो संपूर्ण कट उतर जाएगी, बेसिक नॉलेज अधूरी नॉलेज है यह संपूर्ण नॉलेज है, अधूरी नॉलेज है तो अधूरी कट उतरेगी,
हाँ जी हाँ सबसे ज्यादा जन्म मिले हाँ नहीं आती कृष्ण वाली आत्मा के मुकाबले कम ही जन्म होते होंगे, माने उसकी लंबी आयु ज्यादा होती होगी। हाँ कैसे आई, जब राम वाली आत्मा राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगी तो वो भी अगर अनिश्चय के चक्र में आने लगेगी तो दूसरों का क्या हाल होगा? फिर निश्चय, आखिर निश्चय निश्चय कौन बैठाएगा, टेम्पल कौन बनेगा? फिर निश्चय बुद्धि का सैंपल कौन बनेगा 100%? बच्चे भी नहीं, बच्चे ही हाँ हाँ ठीक है। नहीं, कृष्ण वाली आत्मा के मुकाबले राम वाली आत्मा कम निश्चय निश्चय के चक्र में आती है। 50 साल उनके कम हो गए, किनके? ब्रह्मा बाबा के। और इनके 50 साल बड़े हुए हैं। ये ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा, अब वो ऑलराउंड पार्ट में से 50 साल उनके कम हो जाते हैं, तो जो जो बीज दूसरे बीज रूप हैं उनके भी नंबर बार कम होते होंगे कि नहीं? इसलिए ब्रह्मा के लिए बोला है, ब्रह्मा जैसी आत्मा है त्रेता में जाके 13 जन्म लेती है। क्या हाँ हाँ माना माना हाँ सबसे ज्यादा बेबी बुद्धि जगदम्बा और ब्रह्मा है, हाँ वही बड़ी माँ है, वही ब्रह्मा हाँ वो सबसे ज्यादा आती है, तो उसका छुट्टी क्या है माना यादगार है, तो कलयुग से तो उनकी पूजा होती है जगदम्बा की। नहीं, उनका पूछने का मतलब ये है निश्चय अनिश्चय की ज्यादा चक्र में आएगा तो उनके जन्म ज्यादा होंगे ना, उम्र कम होती जाएगी ना, हाँ तो उम्र उनकी कम होती जाती है। और जन्मों में 84 जन्मों में राम वाली आत्मा या राम वाली जैसी जो जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं उनके मुकाबले उनके जन्म कम हो जाए, ज्यादा हो जाएंगे। भक्ति मार्ग वही तो बताया, भक्ति मार्ग में कृष्ण का चित्र बनाया है बाबा ने, कहा कृष्ण का चित्र बनाओ, हाथ में स्वर्ग दिखाओ और नरक में पाँव में नरक दिखाओ, तो वो नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग आ रहा है, वो चित्र बनाओ और उसमें लिखो इनके 84 जन्म होते हैं। होते हैं 84, पूरे 84 के चक्कर में आती है। तो बाकी भी आत्माएं आती है, आती हैं, लेकिन उनके जन्म तो होते हैं 84, लेकिन उनकी एज जो है एवरेज एज कम होती जाती है। अरे कोई तो होगी पहला नंबर, चतुर्ग में जो भी जन्म लेंगे उनमें कोई भी आत्मा तो कम जन्म लेने वो ज्यादा जन्म लेने वाली होगी। हाँ पहला प्रिंस है, हाँ कौन जिसका पति शरीर छोड़ देता है उसका पति छोड़ती है, जिसका पति शरीर छोड़ देता है, पति शरीर छोड़ता है तो पति को छोड़ती है। अगर छोड़ती है तो सफेद साड़ी क्यों पहनती है? हैं?
सफेद साड़ी पहनती है तो वो भक्ति मार्ग में बताई है या ज्ञान मार्ग में बताई कि सफेद साड़ी पहन के रहना? ज्ञान मार्ग बताई कि सफेद साड़ी हमेशा पहन के रखना? ये तो भक्ति मार्ग की बात है। बाबा तो कहते हैं तुम चाहे जैसे रंग का कपड़ा पहनो, तुम सब पार्वतिया हो, कोई जरूरी है सफेद कपड़ा ही पहनना? हाँ ये है, जब 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 क्लास में बैठते हो, जब तुम्हारी ड्रिल होती है रूहानी, तो उस समय सफेद वस्त्रों में बैठो। सो उल्टा कर रहे हैं सब, ये स्कूल में अभी क्या है? है? पहला? हाँ जी, हाँ जी। अरे बात तो सुनने दो, बात आपस में नहीं करो। हाँ हाँ, पहला सूत्र कैसे बनती है? सबसे पहले नीचे गिरती है। कलयुग जब शुरू होता है तो सबसे पहले वो सूत्र बनती है। सूत्र माने व्यभिचारी, नहीं वो नीचे गिरती है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। वो द्वापर युग में, द्वापर युग जब शुरू होता है तो स्त्री पहले नीचे गिरती है या पुरुष पहले नीचे गिरता है? जो हम बात पूछ रहे हैं तो बात बताओ, द्वापर युग जब शुरू होता है तो द्वापर में स्त्रियां नीचे गिरती है या पुरुष पहले नीचे गिरता है? हाँ, बरगलाया किसने और बरगलाया कौन गया? बरगलाया पुरुष ने। पुरुष ने बरगलाया? तुम उसकी बात बोलते हो। ईव ने बरगलाया और वो बरगलाए में आ गया। हाँ जी, है? माना औरों के मुकाबले है? हाँ, पहले व्यभिचारी भी वही बनती है, लेकिन नहीं, वो पहले शूद्र बनती है और पहले वैश्य बनती है। वैश्य माने विशेष, माने अपनी पत्नी के साथ विशेष कर्म करने वाला पहले राम की सोल बनती है। व्यभिचारी नहीं कहेंगे, व्यभिचारी नहीं कहेंगे, पहला शूद्र कलयुग में आकर के। हाँ, भरत पा का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है? भरत पा का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ, बड़ी माता के लिए बोला है, छोटी माता के लिए बोला? दोनों के लिए लागू हो सकता है। हाँ, ये आप कौन पूरी करते हैं? नहीं, जिन दो माताओं की ये बात कर रहे हैं, ये जिन दो माताओं की बात कर रहे हैं, क्या बोला अभी? 1947 में हाँ का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, हुआ ना? तो बाबा किससे बात कर रहे हैं? हिम्मत करके बोले ना। हाँ, तो नहीं, उस समय तो बोले, तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, इसका मतलब उस समय जिसका जन्म हुआ उसमें कोई यज्ञ में भी तो होगा। छोटी माता जी। हाँ हाँ, सागर मंथन में शेषनाग कौन और अरुणाचल पर्वत कौन? सागर मंथन जो है वो विचार सागर मंथन है। हाँ, और विचार सागर मंथन में वासुकी नाग जो है वो दोनों तरफ खींचा जाता है, असुर भी उसको खींचते हैं और देवताएं भी उसको खींचते हैं। असुर खींचते हैं तो मुंह की तरफ से, माना वो भी खींचतान जो भी करेंगे वो मुंह पकड़ के करेंगे। ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा कैसे, वैसा कैसे? और जो देवात्माएं होंगी वो फॉलो करेंगी,
जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसा फॉलो करेंगी, मुंह नहीं पकड़ेंगी ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, जो बोला ठीक बोला। वासुकी नायक अभी भी नहीं समझ पाया। हाँ सूर्य का शिव का आत्मा हो गया ना। हाँ इसलिए बाद में बाबा ने बोला था कि उसको बलि का बकरा बना बना दिया, कोई गलती नहीं थी। किसको? प्रजापति को। वो तो इस आधार पर बाबा ने बोला शुरुआत में चले गए। हाँ। क्योंकि उसका कारण बताया, शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए चले गए। अगर पूरा ज्ञान होता तो छोड़ने की बात ही नहीं थी, माने पूरी पहचान नहीं थी बाप कौन है, बाप का पार्ट क्या है, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ वो उसको पहचान नहीं, उसमें एडवांस नॉलेज ही नहीं थी। गर्दन काट डाली तो जो गर्दन काट डाली जाती तो अच्छी बात हो जाती है ना। हाँ जी गर्दन काट डाली जाएगी तो फिर क्या किया गया तो नहीं बताया। वो तो बकरे का बोला है। हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया। माना बाबा ने बोला है कि बीज तो ब्रह्मलोक में जाती है, वो बात क्या? वो बात अंत की है जिस समय विनाश संपन्न करना होगा। हाँ जी जिस समय सारी विश्व की कंट्रोलिंग हाथ में आ जाती है उस समय ये बात आती है। प्रभुता पाहि काहि मदनाहि, काहि मदनाहि माने किसी को कोई भी नहीं बचता जिसको प्रभुता मिलने के बाद अहंकार में चढ़ता हो, चाहे राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण हो इब्राहिम हो बुद्ध हो क्राइस्ट हो, कोई भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा ऐसी नहीं है जिसको प्रभुता मिलने के बाद वो अहंकार में ना आती हो। गया हरण कैसे हो, वो बाप कौन है? उसका रावण का पाठ बजाना पड़े, बजाएगा नहीं तो असुरों का नाश कैसे होगा, कौन करेगा? शिव नहीं प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करके रावण शिव बाबा को दोष देंगे? शिव शिव का नाम ही शिव है, है? वो कल्याणकारी होगा, कल्याणकारी होगा। अभी बाबा ने बोला क्लियर कहते हैं जब विष्णु का पाठ आएगा थोड़े जानेंगे, सब थोड़े ही जानेंगे। हाँ सब थोड़े ही इकट्ठे जान लेंगे। कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होना माना जन्म लेना, जन्म होना माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो पहले घर वाले पहचानते हैं या बाहर वाले पहचानते हैं? तो ज्यादा विष्णु के जो ज्यादा नजदीक होगा वो विष्णु को पहचानेगा विष्णु रूप में, या रुद्रमाला वाले पहले पहचान लेंगे? है वैजयंती माला वाले पहले पहचानेंगे? है शेषनाग अभी तो बता दिया, उसको मुंह से खींचते हैं, उसको पूंछ से खींचते हैं। अरे ये अभी बताया, अभी भी भूल गए, दोबारा मारे नाम चाहिए। अरुणाचल पर्वत मंदराचल पर्वत, अरुणाचल नहीं। अब क्या बना देते मंद रहा चल, मंद रहा अचल पर्वत। मंद बुद्धि कौन सा रहा जिसने मंद बुद्धि का पाठ बजाया? फिर है
काय के रूप में प्यार का सागर नहीं होता है सदगुरु रूप में, नहीं झंडे 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 बिना गलती के थोड़े झंडे लगाता है, सख्त रूप होता है। माता जी का प्रश्न है कि कोई आत्मा भक्ति करती है जी पूछा तो नहीं करती तो उसका पाप क्या होगा? भट्टी करती है, भट्टी करने के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं करती है तो वो कम से कम स्वर्ग में तो आ ही जाएगी, है प्रजा तो बनी जाएगी, है प्रजा भी नहीं बनने देंगे, बहुत गुस्सा आ गई क्या? हाँ उनका प्रश्न है कि बेसिक वालों का उद्धार कैसे होगा? हाँ बेसिक वाले पहचान नहीं रही है, बेसिक वाले नहीं बैठे, कौन बैठे हैं? माउंट आबू बैठे हैं, ये माउंट आबू से ही तो आए हैं सब, ज्यादा संख्या में उधर पड़े, माना करोड़ों की तादाद में उधर पड़े, माना आप ये चाहते हैं कि सतीगुण करोड़ों पहुंच जाए, जीते जी जीते जी करोड़ों सती में पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं तो होना ही नहीं है, साढ़े चार लाख 9 लाख नहीं। बस हो गया है, विश्व कल्याण की कौन सी बात है? जैसे बाबा कहते हैं बाप विदेशी बन करके आया है, अगर विदेशी नहीं बनता तुमसे मिल भी नहीं पाता, तो फिर बताया तो अगर विदेशी बाप बनकर के ना आता, विदेशी माने भी बिचारी और स्वदेशी माने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो है स्वदेशी का सैंपल और विदेशी का सैंपल, विदेशी का सैंपल, विदेशियों का सैंपल कौन है? हाँ रावण, राम भगवान है वो उसके मुकाबले है रावण, वो है अब भोक्ता और वो है भोक्ता। लेकिन बाबा यहाँ तो सभी राम हाँ राम तो और किसने ये किसने बताया राम वाली आत्मा प्रजापिता नहीं है? राम तो बाप को कहा ही जाता है, वैष्णो देवी का गायन है। हाँ तो प्रैक्टिकल पार्ट कौन बजा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम का? तो जो बजा रहे हैं उसी का नाम पड़ेगा, वो राम वाली आत्मा, इसलिए वो निराकार राम उसमें प्रवेश करता है। और नीले अंग वाला है, नीलकंठ का नाम नहीं सुना? एक क्या है यहाँ से प्रत्यक्ष होता है? अच्छा नीलकंठ, नीलकंठ महादेव जहाँ है वहाँ से नीलकंठ प्रत्यक्ष होता है, अमरनाथ जहाँ है वहाँ से अमरनाथ प्रत्यक्ष होता है, कालेश्वर जहाँ है वहाँ से कालेश्वर प्रत्यक्ष होता है, तो कहाँ कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? सारे गांव गांव में तो उसके मंदिर है, है? हाँ चेलू में कब आवेंगे? चेलू में गए नहीं क्या वहाँ? अच्छा आप भट्टी में नहीं आए थे, चेलू में तो जा चुके ना, तो आप दूसरी जगह का नंबर लगे, दूसरी जगह नंबर नहीं लगने देंगे? बहुत बातें करो, बाबा कहते हैं सवेरे को उठो और बाबा से बातें ही बातें करते रहो।
बाबा को फ्री मत बैठने दो, नहीं तो कोई दूसरा बातें करने लगेगा। और हो गया खेल का रास्ता है। सेना नायक घेरे में आए हैं, सेना नायक घेरे में आए हैं, उसकी सुरक्षा करो। अगर तुम सुरक्षा नहीं करेंगे तो तुमको डर से मिलना बंद हो जाएंगे, आज से तुम्हारी हार हो जाएगी। सेना का नायक जो है नहीं नहीं यार का वो नहीं बाबू, हाँ हाँ हाथी की सेना का जो मालिक है, हाथी की सेना का जो सेनापति है वो प्रमोद महाजन है। कैसे लगा दिया? ब्रह्म कुमार तो उसके सामने अगर आप गीता पाठ का खोलेगा अच्छा रहेगा। खोल सकते हमने नहीं बोला, मुरली ने बोला खोल सकते हो। सन्यास आश्रम के सामने सेंटर खोल दो, आश्रम खोल दो, बड़ा मजा आएगा। अरे माता जी, एक माता जी का प्लाट है वो बोले उनकी भी इच्छा है वहाँ सेंटर खोले गीता पाठ करा। बाबा खोल सकते हैं? बोलो इसके सामने नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है बाबा ने कहा बड़ा मजा आएगा, मुरली ने बोला बोले हुए वाक्य है वो तो अटल है ना, पत्थर की लकीर है कर नहीं सकते है। राजयोग क्या है? जिसमें राज भरा हुआ है। दुनिया की सबसे राजदार आत्मा कौन है, है? आत्मा कोई है? शिव बाबा जिसे शिव सुप्रीम सोल कहते हैं उसमें बहुत राज है, उतना राज को जानने वाला और दुनिया में कोई आत्मा नहीं है। कोई कहे प्रजापिता है ना, प्रजापिता भी तो सब बनता है जब उसमें वो शिव प्रवेश करता है, संगम में जब प्रवेश करता है आखिरी जन्म में तभी तो वो राजदार बनता है, और किसी जन्म में क्यों नहीं बनता। लेकिन वो शुभ सुप्रीम सोल हर जन्म की राज को जानने वाला है, अंतर्यामी उसे कहा जाएगा। रामकृष्ण की आत्मा है जो बहिर्यामी है, तो वो आकर के जब इस शक्ति पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है मुकर्रर रथ में, उस मुकर्रर रथ को पहचानना ये सबसे बड़ा बात है, पहचान लेना और फिर उस बात पर काबिल रहना। बच्चे कहते हैं बाप आया हुआ है प्रैक्टिकल में और माया हिलाती, नहीं ये हो नहीं सकता, बाप कैसे आ सकता है, बाप तो ब्रह्मा के तन में आ चुका, वही भाग्यशाली रखा। तो माया जब हिलाती है और हिलाने के टाइम पर भी, हिलाने के निमित्त तो कोई तो बनेंगे, कौन बनेंगे? मुरली में तो बोला है, अव्यक्त वाणियों में भी बोला है, देर के देर भगवान निकलेंगे। फिर उनमें बाप का पार्ट कौन? इस बात में माया भाई लोरा डालेगी, हिलाएगी। अव्यक्त वाणी में ये भी इशारा दिया हुआ है आगे चल करके बहुत खेल देखेंगे माया के। बार बार पटरी पर आएंगे, बार बार पटरी से उतर जाएंगे। निश्चय बुद्धि बनेंगे फिर निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। ये माया का खेल आगे चल के बहुत बहुत चल रहा है। अगर अनिश्चय बुद्धि बने नहीं, सारे ही पास हो जाए फाइनल में, तो देवी देवता सनातन धर्म ही चलता रहे ना दुनिया में, फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट कौन होंगे?
इतनी ढेर आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है। 33 करोड़ जो भी देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा सारी ही कन्वर्ट होती है, भले आखिरी जन्म में ही क्यों न कन्वर्ट हो। तो ये कन्वर्शन की शूटिंग कहाँ होगी? ये दूसरी जगह होगी। वो भी तो धर्म पिताए हैं, इब्राहिम बुद्ध पिताए थे। सुप्रीम सोल बाप को छोड़ करके और दूसरों को जो बाप बनाए, तो साबित हो गया ना दोगला है, दूसरे धर्म का है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल होना है। आदम को पूरा मत समझो, खुदा आदम है। आदम को पूरा मत समझो, खुदा आदम है। और लेकिन खुदा के रूप से आदम जुदा नहीं, खुदा माने जो खुद आता है। क्या खुद आने वाला कौन हुआ? खुद आने वाला वो प्रजापिता है या शिव बाप है? हैं? शिव बाप खुद आते हैं। अगर प्रजापिता भी गीता पाठशालाओं में पहुंचता है तो उसमें भी उसको ले जाने वाला कौन है? हैं? वही खुद। किस तरह याद करे? आंखों से जो चीज देखी जाती है वो याद नहीं आती, स्थान भी याद आता है। याद आती है तो उसमें स्थान का भी महत्व होता है। व्यक्ति का जैसे महत्व है वैसे स्थान का भी महत्व है। तो व्यक्ति आखिर कहीं किसी स्थान विशेष का होता है ना, स्थान भी जरूर याद है, जरूर श्रेष्ठ स्थान होगा। अगर भारत में भगवान आते हैं तो स्थान हुआ ना भारत देश, विदेश तो नहीं स्थान है भगवान जाने का, तो स्थान का महत्व हो गया। हाँ तो है? हाँ कैसे याद करें, जगह याद करें? बाबा ने तो बोला है बाप को मधुबन में याद करो। जो भी मुरली चलती है वो चलती कहाँ से है? बाप के आने का स्थान ही तो बनारस है। बनारस कहो, अल्लाहाबाद कहो, अल्लाह का स्थान कहो, जहाँ बना बनाया ज्ञान का रस मिलता हो जहाँ से, तो ये सारा एडवांस ज्ञान कहाँ से निकला? जहाँ से निकला वो स्थान भी याद आएगा। हैं? मूर्ति तो जड़ को कहा जाता है। आपको तो चैतन्य मिला है कि मूर्ति मिली है? मूर्ति हो, माउंट आबू हो, वो ट्रांस लाइट की उनको स्थापन करने दो, आपको तो चैतन्य मिला हुआ है। चैतन्य को कहीं भी मत करो। अब आपने अगर पहली बार उमरेट में देखा है तो आपको घर बैठे मिला है? आप कोशिश करिए कि उमरेट में ही हम ऐसा नक्शा बनाए मिनी मधुबन का, जो अगर तुम्हारी में बाप दादा ने बोला है कि अपनी गीता पाठशाला को मधुबन का नक्शा बना के दिखाओ। जो भी गीता पाठशाला बनती है वो गीता पाठशाला तो योनों की होती है, कुमारों की, अदर कुमारों की नहीं। वहाँ युगल, यहाँ जो युगल निमित्त बने हैं वहाँ जाकर, ये कोई जरूरी नहीं, दूसरे युगल भी बन सकते हैं। ये थोड़े ही कहा कि यही बनेंगे, जो हिम्मत करे बाप तो मदद देगा। हाँ हाँ सर,
सभी आत्माओं को क्यों जाना पड़ेगा? जो आत्मा बने होंगे उनको जाना पड़ेगा, वो ही जाएंगे, दूसरे जाएंगे भी नहीं। महाविनाश के समय भी जो जाएंगे, पहले से जाएंगे तो पहले से तपस्या करेंगे जाके, कि जब महाविनाश शुरू हो जाएगा तब जाएंगे है? योग का बल जो है वो संसार में विनाश लाएगा। तो योग का बल अभी जो बिखरे बिखरे पड़े हुए हैं उससे योग बल नहीं इकट्ठा हो रहा है, जो संगठित होकर के वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, जो वो मुरली बोला और तुम बच्चे परम धाम को इस धरती पर उतार लेंगे। वो परम धाम कहाँ उतरेगा इस धरती पर है, जहाँ सब आत्म की स्थिति में स्थित होंगे संगठित रूप में। वो तो आबू अब्बा के घर के सिवाय और कोई दूसरा स्थान है ही नहीं है। विष्णु पवित्र देवता होता है या पवित्र है? है तो पवित्र में शिव बाबा शिव बाप आते हैं क्या? है शिव बाबा क्या विष्णु में प्रवेश होते हैं? अरे ऐसी विष्णु पार्टी जाने कितनी निकलती है भारतवर्ष में, 8-9 जगह विष्णु निकले हुए हैं। किसको विष्णु कहेंगे हैं? विष्णु का अर्थ होता है विष्णु, नो विषय काल, विषय वासना का नाम निशान नहीं होगा नदी। कोई नहीं रहेगा तब भी तो, तभी तो अव्वल नंबर प्रत्यक्ष होगा। जो भी पुरुषार्थी है या जो भी राजयोग लिखने वाले नंबरवार राजाएं हैं उनमें विश्व का महाराजा कौन है, उसको किसी के आधार की दरकार है या नहीं दरकार है, ये कैसे पता चलेगा? खुदा आया हुआ कौन खुदा का पार्ट है? खुदा खुद है या उसको बुझाव की जरूरत है? तो खुद है, अगर कोई सहयोग दे तो अच्छा है, अपना भाग्य बनाए। नहीं भी सहयोग देता है तो भी वो अपना काम कर लेगा। वो एक ही सितारा ऐसा है जो अपना स्थान नहीं छोड़ता और बाकी सब गिर जाते हैं। हाँ जी ब्रह्मा के तन में अगर याद करेंगे तो ब्रह्मा की जो गति हुई है उस गति को पा रहे होंगे। हाँ शांति स्तंभ के सामने बैठ के याद करेंगे तो भी कब्र दाखिल होंगे। पावर जो वहाँ क्रिएट होता है महसूस होता है, वहाँ पर बहुत सारा पावर है क्रिएट होता है, एकदम पावरफुल होता है। वो पावर कहाँ से आती है? पावर कहाँ से आती है? पावर तो निराकार को बिंदु को याद करेंगे तो अल्पकाल के लिए पावर आएगी, जैसे धर्म पिताओं को पावर आई, इब्राहिम बुद्ध कैंस को क्या पावर नहीं आती? जो हम यहाँ वहाँ जाकर के अनुभव करते हैं उसके मुकाबले उनको ज्यादा पावर आती है कम पावर आती है? इब्राहिम बुद्ध कैंस को जो पावर आई है, जो इतनी बड़ी क्या नाम हुजूम उन्होंने संसार में तैयार कर लिया है, तो पावर आई तब तो हुजूम तैयार हुआ। भावना की बात है, बुद्धि की बात नहीं है। बुद्धि की बात यह है कि वो पावर जो है वो कैसे कार्य करती है, प्रैक्टिकल में किस स्वरूप के द्वारा कार्य करती है। पावर की बात जहाँ तक है वो तो आजकल जो जो बहुत से गुरु लोग ऐसे हैं जैसे साईं बाबा, वो चमत्कार ऐसा दिखा देते हैं कि पावर ही पावर अनुभव हो जाती है, सृष्टि का स्वर्ग स्थापन हो जाता है।
धर्म क्यों स्थापन होता है? बाबा मैं पहले ब्रह्मा कुमारी में जाता था। हाँ जी। तो ऐसे कुछ फिट के कारण जाना छोड़ दिया, तो ये इतने और छोड़ दिया तो अभी 10 साल के ऊपर, मतलब 12-13 साल हो गया। हाँ। छोड़ दिया। हाँ। मेरा कहना है कि आज तक तो मैं गए जाता था, लेकिन गया क्यों नहीं, किसकी ताकत है मेरे को पकड़ के रखने की? मैंने 10 साल तक आपको पकड़ नहीं पाया। 10 साल से मैं मतलब जाना छोड़ दिया। तो अभी छोड़ दिया तो मैं तो बैठे जाने होना था, लेकिन गया नहीं, मतलब माने संसार में बह जाना था। कोई मतलब ये इतने दिन कोई रह नहीं सकता ना। संसार की जो विषय वास्तव वैतरणी नदी है, विषय सागर है, उस सागर में आपको बह जाना चाहिए। हाँ, बह जाना चाहिए, लेकिन किसने पकड़ के रखा? हाँ। देखो, ये ज्ञान ऐसा है, चाहे बेसिक ज्ञान है तो भी दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं, उन सब धर्मों में से खिंच करके बेसिक नॉलेज में आत्मा आ रही है। जो एक बार ब्रह्मा कुमार बन जाता है असली रूप में, उसको दुनिया का कोई धर्म के आज धर्म वाले में ताकत नहीं है कि उसको खींच करके अपने धर्म में कन्वर्ट कर ले। क्या बेसिक नॉलेज की बात हो रही है? और बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण बन चुके, उनमें से अगर कोई एडवांस के बन जाते हैं भांति, सही अर्थों में समझने वाले, बाप को पहचानने वाले, तो कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी में जीली जाती दादा में ताकत नहीं है कि उसको तोड़ करके फिर ब्रह्मा कुमार बना ले, पीबी के से बी के बना ले। ये शक्ति कौन सी कार्य कर रही है? सीढ़ी दर सीढ़ी, चाहे बेसिक नॉलेज में चाहे एडवांस नॉलेज में, शक्ति तो एक ही है ना। वो सुप्रीम सोल खींच के रखते हैं अपने बच्चों को। आप तो 10 साल की बात कर रहे हैं। प्रजापिता और प्रजापिता के फॉलोअर्स जो भी आत्माएं हैं, जो यज्ञ की आज में छोड़ करके चली गई थी, वो कितने साल हो गए उनको? 40-42 से लेकर के और अब 2006 चल रहा है, कितने साल हो गए? 60-65 साल से ऊपर हो गए ना। तो भी अभी यही आ रही है, दूसरे नहीं आ रहे हैं एडवांस में। आप समझते हो कोई नए नए आ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कभी नहीं गए हैं, ऐसे नहीं है। वो आज में थे, फिर दोबारा एडवांस में आ रहे हैं, भले डायरेक्ट आ रहे हैं। दिल्ली में भी विजय माला का संगठन इकट्ठा होगा, विजय माला जो विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली प्रत्यक्ष होगी। है कैसा नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? आप प्रैक्टिकल बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, सारी दुनिया में हाहाकार होता रहेगा और उस संगठन की जो बीच आत्माएं होंगी वो ऐसे ही आराम से रहेंगी जैसे यज्ञ के आज में कराची में रही पड़ी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और वो बड़े आनंद में पड़े हुए थे, उनको कोई जोखिम नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तपस्या तो राजाओं को करनी है, राजाओं को तो तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जन जनांतरों ने पाप भी बहुत किए हैं। क्या सब बोल रहे हैं? हाँ जी, कैसे कैसे खत्म हो गए ये कैमरा? अच्छा, मुसलमान लोग। हाँ, और उसमें हाँ हाँ।
आदि ब्रह्मा के द्वारा जो बात चल रहा है पहले साकार करने उसके द्वारा चला तो वो 35 साल चला, फिर अभी 25 साल चला और अभी लास्ट जो है 25 साल वो जो है दूसरों के द्वारा बेसिक का टाइम थोड़े चलेगा दूसरों द्वारा। बेसिक वाले भी तो एडवांस नॉलेज सीखेंगे तब वो विष्णु वाला के मन के बनेंगे। जब तक एडवांस नॉलेज न ले पूरी नॉलेज बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक वो देवी देवता सनातन धर्म के सहयोगी कैसे बन सकते हैं। नहीं अगम तो सब एक जैसे नहीं रहेंगे क्योंकि अलग अलग धर्मों के बीच है, उसमें जो सूर्यवंशी हैं वो अटल रहेंगे, उनमें भी नंबर वार हैं। अष्टदेव हैं वो भी तो है ना, उनमें थिंकिंग का अंतर है। बाबा निराकार को साकार में याद करना है तो सेवक राम वाली आत्मा को याद करना है कि राम वाली आत्मा को याद करना है या शिव बाप को याद करना है, किसको पकड़ना है? निराकार कौन और साकार कौन? निराकार कौन? बाबा शिव बाप। शिव बाप और साकार है? साकार का संपन्न रूप कौन सा? जो शरीर छोड़ गया यज्ञ के आदि में वो संपन्न रूप है खेल होने वाला, या जो अंत में परिपूर्ण काम करके शक्ति में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा वो कौन सा रूप है संपन्न है? जो संपन्न रूप है वो संसार में पूजा जाता होगा ना, अभी अभी निश्चय किस बात पर करना है? निश्चय बुद्धि होने का मुख्य मुद्दा कौन सा है? हैं? मुख्य मुद्दा तो यही है साकार का पार्ट कौन सा है और इसी बात की पूरी परीक्षा है जो सामने खड़ी हुई है। माया हिलाएगी और हमें ज्ञान के पॉइंट्स वो इकट्ठे करने हैं जिन ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर ये साबित हो कि यही बाप है, यही है, यही है, यही है। नमदीन भट्टी के गायब हुए हैं। हाँ जी वो 5 दिन भट्टी रहती है कंपनी में, एक दिन आना जाना रहता है। हाँ एक दिन आना जाना रहता है, लेकिन अगर अपन दिल्ली में जाए तो बाहर घूमने का मन होता है दिल्ली में। हाँ तो घूमने जा सकते हैं भट्टी करने के बाद। हाँ नशा सारा उड़ जाएगा। नशा उड़ने के बाद जब अपने गाँव में पहुँचेंगे तो जो पैदाइश होगी ना वो घूमने फिरने वाली जो बताए हैं घूमना फिरना भूतों का काम है ऐसी पैदाइश हो जाएगी। एक मुरले में बोला है कि सेवा के लिए जा सकते हैं, सेवा के लिए घूम सकते हैं। घूमने के लिए क्या दरकार है? सबसे पहले तो अपने घर का सुधार करना है कि पर का सुधार करना है, इसके बाद घूमने नहीं जा सकते। क्या कटने की बात क्यों नहीं है? भले घूमो फिर बाबा कहीं मना जाने के लिए करते नहीं है लेकिन इसकी पावर होनी चाहिए ना। लेकिन भट्टी के 9 दिन गाये हुए। 9 दिन गाये हुए, एक दिन आप सफर करते हैं, दूसरे लास्ट में जब आते हैं वापस तब एक दिन सफर करते हैं, एक दिन वहाँ पहुँचते हैं तो निश्चय पत्र वगैरह लिखने में और वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है और एक दिन वहाँ से आने में 4 दिन तो ये हो गए, बाकी 5 दिन रह गए 5 चित्रों को क्लैरिफिकेशन लेने की। हाँ शूटिंग जब से आप ज्ञान में आते हैं बेसिक एडवांस बेसिक में भी जब से ज्ञान में आते हैं एडवांस में भी जब से ज्ञान में आते हैं ब्राह्मण धर्म की शूटिंग कब हुई और देवता धर्म की शूटिंग कब हुई आरंभिक
ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की औलाद बने, औलाद बने तो वहाँ देवता धर्म की शूटिंग कब से हुई, कब से कब तक हुई और कितनी आत्माओं को संदेश मिला? नहीं, सचिव में आबादी होती है 2 करोड़, सचिव आबादी होती है 2 करोड़ दुनिया की, और 2 करोड़ आत्माओं को संदेश मिला संक्षेत्र तक, साबित हो गया कि संक्षेत्र तक देवतावन की आत्माओं की शूटिंग हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अभी आए हैं तो आप देवता नहीं है, जो आत्मा जिस समय आती है उसी समय से उसका तत्व प्रदान इसके शुरू हो जाती है, देवता बनने की शूटिंग शुरू हो गई। इंडिविजुअल शूटिंग अलग और सामूहिक शूटिंग का हिसाब अलग। एक कर्म की आत्मा है भाई, राम बाप का तो खाता शरीर लगा है, और ब्रह्मा का तो शरीर लगा है, और हाँ जी हाँ जी, तीसरे नेत्र है सुप्रीम सोल, अर्धचंद्र के रूप में जैसे एक ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा तो अनेक है, अनेकों के नाम ब्रह्मा है। ये की आदि में जिनमें प्रवेश करते थे वो भी ब्रह्मा का रूप हुए, मध्य में दादा लेख राज में प्रवेश किया वो भी ब्रह्मा का रूप हुआ, और अंत में अभी जो एडवांस पार्टी में जो माँ बाप का प्रजापिता और ब्रह्मा का पाठ बजाते हैं वो भी ब्रह्मा है। ऐसे बुद्धियों की बात, बुद्धियों की बात ऐसी होती है कि एक जगह रह करके भी आत्मा अनेक जगह कार्य कर सकती है, लेकिन ज्यादा दबाव गुलजार दादी के चरण में होता है। ऐसे नहीं कि आत्मा एक जगह रह करके अनेकों जगह अपना कार्य नहीं कर सकती है, सत्ता की बात है। बीके में 5 साल चले, हाँ के पास सेंट्रल पास एक रूम दे दिया आपको, तो अभी मिला आपको एडवांस में आने से क्या फायदा, बाबा तो कहते हैं आधीन रहने वाला अधिकारी राजा बन ही नहीं सकता। आप पूछते क्यों है, इसका मतलब आपको बाप मिला ही नहीं, अगर बाप मिला है वो पूछेगा हम कहाँ जाए। इच्छा होती है बाबा, क्या इच्छा होती है में जाए, अरे बच्चा किसके अधीन रहेगा, दुनिया वालों के अधीन रहेगा या बाप के अधीन रहेगा? फिर पूछने का सवाल ही नहीं, अगर पूछता है तो अभी बच्चा बना नहीं, डरना क्यों है, किस बात से डरना, किस बात से डरना है, जो अभी उन्होंने तो निकाल के दी इसलिए तो उनको डरना ही है ना, क्योंकि अभी अगर इधर आते हैं अगर मालूम हो गया तो निकाल देंगे। निकाल देंगे कहाँ, निकाल देंगे बाहर, बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा है? और ये बात तो आपकी साबित कर रही है कि आपको बाप के ऊपर निश्चय नहीं हुआ अभी कि बाप आया हुआ है। मजदूरी करना, रूम का किराया, मजदूरी करना काय को, रूम का किराया करना, बाप आया हुआ है तो देखो दुनिया में भी कन्याएं होती है उनकी शादी हो जाती है, अगर उसका पति उसको छोड़ देता है तो कहाँ जाती है? बच्चा भी उनका, ये बेटा भी उनका, तो क्या हुआ सरेंडर रहना है उनको। हाँ तो बोलते ये बच्चे सासुर नहीं भर सकता है तो मना, बाप के पास सब कन्याएं माता ही होती है, बच्चे कोई होते ही नहीं, ऐसे सरेंडर बुद्धि कोई भी भाई नहीं है जो बाप के पास पल रहे हो। छोड़ ज्ञान में नहीं चल रहा है, ज्ञान में तो वो कहेगा हमको क्यों छोड़ दे भाई,
उसको लेकर ही आना है बेटा, लेकर के आना है, लेकिन वहाँ जा कर के फिर ये बच्चा बच्चा नहीं रहेगा आपका, साथ रखा जाएगा, वहाँ रहना पड़ेगा। कन्या माताओं के साथ वहां तो रखा ही नहीं जा सकता, कन्या माताओं का प्रबंध, कन्या माताओं के साथ भाइयों का प्रबंध, जहाँ भाई लोग रहते हैं वहाँ होगा, भाई लोग रह सकता है ना, रह सकता है, लेकिन जहाँ आप रहेंगे वहाँ उसको नहीं रखा जाएगा, नहीं तो माता का मोह खींचेगा उधर। 11 साल का। हाँ जी, रामायण में है तो कृष्ण को नहीं भटकते हुए दिखाया, गावड़ों गावड़ों में कृष्ण को गावड़ों गावड़ों में भटकते हुए नहीं दिखाया, कल्प के डर पे, और शंकर जी को सारी दुनिया में भागते भागते नहीं दिखाया, भस्मासुर के डर पे, कैलाश बैठना माना बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहना, वो भी बात है रे, जितने भी तुम्हारे भगवान है वो सब भगोड़े हैं, कृष्ण जी के लिए तो नाम ही दे दिया रणथोड़ जी महाराज। हाँ बेटी वाले की सेवा करने जाओ, उनको बताओ कि साकार में बाबा आदि पाठ बजा रहे थे, तो आपको मिल गया, उनको मिल जाता है उनकी तुरंत हो जाती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो सवाल करते कि आपकी निराकारी निर्विकारी निरंकारी खुशी होगी, तो बाबा मिल गया, बाबा मिल गया तो इसका मतलब मिल जाने से मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अरे ब्रह्मा बाबा जिनको मिल गए, जिन तीस दादियों दादियों को, तो उनको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, मिलने से ही सब कुछ हो गया। अरे आप भी तो उनसे पूछ सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा जिनको मिले सिंध हैदराबाद से लेके कराची तक और कराची से लेके माउंट आबू तक, तो जिनको मिल गए तो ब्रह्मा जैसी स्थिति हो गई उनकी, क्या सबकी हो गई? लेकिन परिवार में बड़ा होना चाहिए, क्या बड़ा है चला जाए तो इधर जाता है, हाँ इसलिए बड़ा रहना आवश्यक हो गया, माना ये दादी हो जाए, दादी कहाँ बड़ी, बाबा ने तो अभ्यस वाणी में पहले ही बोल दिया, लेकिन चला वो रहे ना। चला रहे इसका क्या मतलब, आज की दुनिया में जो ये लाल सीता शाही चल रही है उसमें अधिकारी अधिकारी की जगह बैठाए जाते हैं, एमए पास करके आईपीएस पास करके अधिकारी बन करके बैठते हैं जाकर के, और सारा जो उसका ऑफिस का संत है, ऑफिस का जो सारा कारोबार है वो हेड क्लर्क के हाथ में पहुंच जाता है, अधिकारी कुछ भी नहीं जानता। तो आज की रावण राज्य की दुनिया में ऐसे ही होता है, जिसको नियुक्त किया जाता है वो कुछ भी नहीं रहता है, और जो जिसके हाथ में फाइल है वो सब कुछ हो जाता है। अब तुम्हारी तो बावन मनोहर ने दीदी को सौंपा था सारा कारोबार, कुमार का दादी के लिए तो ऐसे बोला कि यीशु दादी के साथ हेड ऑफिस में सहयोगी बनकर के रहे, माने यीशु दादी हेड क्लर्क और ये असिस्टेंट क्लर्क बन भी रहे। तो आज की दुनिया में जैसे क्लर्कों के हाथ में सारे ऑफिस आ गए हैं, अधिकारी सिर्फ देखने के लिए रह गए, तो उस तंत्र को मान लेना अच्छी बात है, उसे आपके बाप के बच्चे साबित हो जाएंगे, हैं? अगर कोई सत्ता हथिया के बैठ गया तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार तो नहीं करेंगे, अच्छा बाप के बच्चे होंगे तो नहीं स्वीकार करेंगे, हैं? पहले मालूम रहेगा ना एडवांस में आने के पहले, हाँ उनकी सबकी बात नहीं आपकी बात, परंतु तो आप अभी उठा रहे हैं, अभी तो नहीं मारे, तो अभी नहीं मारेंगे, बात खत्म हो गई, पास की बात तो खत्म हो, तो अज्ञान की बात हो गई, अभी तो ज्ञान मिल गया कि बाप क्या चाहता है और देहधारी धर्मगुरु क्या कर रहे हैं। अच्छा
हमारा तो टाइम हो गया। कांग्रेस का संगठन तो भर्ती किए हुए ही है सब, या भर्ती करने के बाहर भी है? एक माता ने भर्ती नहीं की, बांधेली है? नहीं, बांधेली भी नहीं है। कराओ फिर जल्दी से। बाहर गाँव भी गई आए नहीं तो, ऐसे लोग बता रहे हैं उन्होंने बच्ची की हुई है।